एवरीवन, मेरा नाम है अवनी और आप लोग का स्वागत है हमेशा पे। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हर टाइम हमारे चेहरा बिल्कुल ग्लो बना रहे, स्किन क्लीन रहे, क्लियर रहे, बाल हमेशा शाइन करते रहें, हमारी बॉडी एकदम फिट रहे, ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा मेहनत करने से मिलती हैं। ये लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि बस एक दो चीज़ हमें पता चल जाए और बस उसी से सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब ये स्किन मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे रूल्स शेयर करने वाली हूँ जिसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप हमेशा अपनी स्किन को क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग पाएंगे। लेकिन अगर ये 10 रूल जो मैं आपको बताऊंगी ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी इस वीडियो की और देखते हैं वो कौन से 10 रूल्स हैं जिनका यूज़ करते हुए अपने चेहरे पे ग्लो पा सकते हैं, बालों को हेल्दी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी एकदम फिट और फाइन रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने चेहरे को हमेशा वॉश करके सोना चाहिए। देखिए, नॉर्मली आप ये तो चीज़ सुनते ही होंगे कि आप अगर मेकअप लगा रहे हैं तो मेकअप लगा के ना सोएं, आप मेकअप को हटा के सोएं, ये तो चीज़ें हैं ही। लेकिन जो लोग मेकअप नहीं करते हैं वो सोचते हैं मेकअप तो लगा हुआ है नहीं, तो हम अपने फेस को वॉश करके क्या करें, ये चीज़ जो है वो गड़बड़ कर जाती है। तो बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जब रात में सोने से पहले अपने चेहरे को वॉश करना है, ताकि जितनी भी दिन भर में जितनी भी गंदगी और ये सब चीज़ें हमारे चेहरे पे है, ऑयल वगैरह है, वो सब चीज़ें निकल जाए, ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए। दूसरा रूल ये कहता है जब आपने फेस को वॉश कर ही लिया है तो भाई स्किन केयर भी पूरा कर लीजिए। टोनर, सीरम और अपना जो नाइट क्रीम है उसे ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और बस 5 मिनट भी नहीं लगती हैं, 1-2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। तो बस ये ज़रूर कर लीजिए ताकि जो आपके स्किन है वो अच्छे से एक ग्लो रहे उसके अंदर, और उसमें जितनी भी चीज़ें उसको चाहिए स्किन को, वो सब चीज़ें उसको मिल जाती हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब आप स्किन केयर अपना चेहरे पे लगा रहे हैं तो जो भी चीज़ अपने चेहरे पे आप लगाते हैं उसको चेक करिए, यानी कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, आपकी स्किन के लिए वो चीज़ें ठीक भी हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी क्रीम अपने चेहरे पे आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस चीज़ की ज़रूरत है हमारी स्किन को। कुछ चीज़ इसके अंदर ऐसी जैसे अल्कोहल वगैरह, ये जो इसकी जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि हमारे चेहरे को वो नुकसान पहुंचा दे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, है कि जब आप सोने जा रहे हैं तो अपनी बेडशीट और पिलो कवर को अच्छे तरीके से देख लीजिए, यानी कि उसमें कोई गंदगी या धूल वगैरह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर वीक में उसको चेंज करते रहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्किन पे। नॉर्मल जब हम सोते हैं तो पिलो कवर हमारे चेहरे पर रहता है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो बेडशीट पर रहती है, तो वो चीज़ साफ़ सुथरी रहे वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर उस पे ही गंदगी रहेगी तो आप देखिए 6-8 घंटे तक हम लोग नींद लेते हैं, उस पर अगर गंदगी रहेगी तो आपकी स्किन पे और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेडशीट और पिलो कवर अच्छे से साफ होने चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, आप जो सीरम अप्लाई कर रहे हैं, पहली चीज़ तो सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीरम स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि एक स्टेप और क्यों बढ़ाना, इसको अवॉइड ना कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा रहता है इसका। तो सीरम आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, और जब आप सीरम अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो सीरम है उसमें विटामिन C का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, विटामिन E उसमें हो, यानी कि प्रॉपर एक एंटीऑक्सीडेंट टाइप का एक सीरम अप्लाई करना चाहिए, जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सीरम क्या करता है ना, आपके पोर्स के बहुत डीप लेयर तक जाता है, जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। तो वो चीज़ आपकी अगर अच्छी होगी तो आपकी स्किन जो है वो अपने आप ही ग्लो करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो सीरम है वो एक अच्छा सा चूज़ कीजिए, जो कि स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट हो, वो सीरम ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो बात करते हैं रूल नंबर 6 की, आपको पूरे वीक में कम से कम 1 या 2 बार फेस पैक ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। स्किन में आप स्किन केयर जो रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो स्किन को ना पूरी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, वो जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको एक पर्टिकुलर फेस पैक से मिलती है। तो वो फेस पैक आप देखिए कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप वो चीज़ पहचान जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप फेस पैक चूज़ कीजिए, और वो वीक में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर अप्लाई कीजिए। इससे आपके चेहरे को ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसका बात का ध्यान रखें कि वीक में 1 या 2 बार आपको फेस पैक अप्लाई करना है। बात करते हैं रूल नंबर 7 क्या कहता है कि आपको वीक में 1 या 2 बार अपने चेहरे पे फेस स्क्रब का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आपकी जो स्किन है ना वो डेड सेल्स और डेड स्किन जो है ना वो छोड़ती रहती है, तो अगर आप इनको हटाएंगे नहीं, इनको क्लीन नहीं करेंगे, तो आप इस पे फेस पे कुछ भी अप्लाई कर लीजिए, कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लीजिए, आपकी स्किन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ध्यान रखिए, अगर जब तक आप ये चीज़ हटाएंगे नहीं फायदा नहीं मिलेगा। तो वीक में एक बार या दो बार इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए और ध्यान रखें इसे ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो स्किन खराब हो जाएगी। तो बस एक या दो बार काफ़ी रहता है, लेकिन इसको अप्लाई ज़रूर करना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। तो रूल नंबर 8 है कि आपको अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपने बालों को हाइड्रेट रखना है। किसकी मदद से? पानी की मदद से, यानी कि पानी खूब सारा पीना है। देखिए मैंने इसके ऊपर ना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपको पूरे दिन में कब कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, और अगर आप वो चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो आपसे पानी कभी मिस नहीं होगा। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप केवल और केवल पानी भी पी लेते हैं ना पूरे दिन में, जो भी मैंने आपको बताया, आपकी स्किन की, बालों की और बॉडी की आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप फॉलो कर लेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कुछ ही टाइम बहुत कम टाइम में आपको अपने चेहरे पे फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की। तो ये रूल ये कहता है कि आपको जंक फूड से थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन जितना भी अमाउंट आप लेते हैं उसमें कम से कम उसको बिल्कुल आधा कर दीजिए। देखिए बर्गर पिज़्ज़ा ना ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप इसमें हरी सब्जियां, हरे फल, फ्रूट्स ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो ये चीज़ आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखेंगे आपके चेहरे पे कितना ज़्यादा बदलाव आता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 10 के बारे में। तो ये जो रूल है कहता है कि आपको वर्कआउट, योगा, एक्सरसाइज, इनमें से कुछ भी है आपको करना ज़रूर चाहिए। देखिए चाहे आप योगा कर रहे हैं और वो आधा घंटा कर रहे हैं, काफ़ी है, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो इंटरनल सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा रहता है। जब आपका इंटरनल सिस्टम अच्छा रहता है तो आपके चेहरे पर, आपके बालों में अपना आप ही ग्लो और शाइन आती रहती है। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या है, एक तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, साथ ही साथ अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी बॉडी भी बहुत अच्छे से स्लिम ट्रिम रहेगी और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि वर्कआउट ज़रूर कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी है वर्कआउट ज़रूर कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये थे वो 10 रूल जिनको अगर आप फॉलो करते रहे, डेली अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपको हमेशा अपने चेहरे पर ग्लो दिखाई देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप सीधा उन वीडियो पर पहुँच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।